अंकुर में ग्राम हरिनंद के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में विकास का कार्य नहीं होता है, चुनाव का बहिष्कार रहेगा। आपको बता दें कि पाकुड़ जिले के बाईपास रोड ग्राम हरिनंद से गुजरती है, रोड का हाल बेहाल है, जिसके लिए ग्रामीणों ने नगर पालिका सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भी लिखा, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये गांव बारिश में टापू बन जाता है, मरीजों को कंधे पर लाद कर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रदर्शन करने वालों में बच्चे, वृद्ध, युवा और महिलाएं भी शामिल थी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के विकास के तमाम दावों के बावजूद उन्हें हर बार आश्वासन ही मिला, किसी ने कुछ भी नहीं किया। शिक्षा के लिए बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, स्वच्छ जल के लिए बोरिंग तक नहीं है, इसके लिए कई बार नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्या का निवारण नहीं हो जाता है, वे चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। पाकुड़ जिला हिरानंदपुर है, बाईपास रोड पूरा ही 1.5 साल से रोड खराब है, धुल्ला हम लोग 1.5 साल से खा रहे हैं। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? धुल्ला खा रहे, बीमारी बढ़ते जा रहा है, बच्चा बुतरू का सब कुटा रहा है, पूरा जो गाड़ी चल रहा है वहाँ रोड पूरा, इसका तो कोई देखभाल का कोई सरकार नहीं देखता है। हम लोग हिरानंदपुर ग्राम, हाँ আমাদের হিরানন্দপুর গ্রামে আমাদের যে অসুবিধা হচ্ছে না, যে রাস্তাটা আছে আমাদের রাস্তার মধ্যে খুব অসুবিধা হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে এই যে ওভারলোড গাড়ি যাচ্ছে, আসা যাওয়া করছে, হ্যাঁ, তারপরে এইসব বাচ্চাদের ক্ষতি, অসুবিধা হচ্ছে, বাড়ি ঘর, হ্যাঁ, ধুলা উঠছে, বাড়ি ঘরে ধুলা ঢুকে যাচ্ছে, বাচ্চাদের ক্ষতি হচ্ছে, হ্যাঁ, বাড়িঘরের ক্ষতি হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা কে নেবে? এবার ভোটের সময় সব আসছে, ভোট চাইছে, ভোট দিচ্ছি, বলছে হ্যাঁ এটা বানিয়ে দেবো, ওটা বানিয়ে দেবো, ওটা বানিয়ে দেবো, আমরা পরে কিন্তু কিচ্ছু পাচ্ছি না, হ্যাঁ, আমরা পরে কিন্তু কিচ্ছু পাচ্ছি না।